इस टॉपिक के अंदर हमने लाइंस ड्रॉ करना सीख ली हैं, हमने उससे एसोसिएटेड उसकी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, डायमेंशंस चेक कर लिए हैं, एंगल्स देख लिए हैं। अब अगर हमने लाइंस ड्रॉ करनी हो और हमने उनके दरमियान रेडियस को वेरी करना हो, चेंज करना हो, हमने फिलेट की ऑप्शन भी अभी हम देखते हैं, कर्व बाज़ूकात हम बनाते हैं, और जो कर्व है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हाउसिंग स्कीम्स के अंदर आजकल हम इसका यूज़ देखते हैं। आप इस्लामाबाद में जाएं या बैरियर टाउन, अगर आपने कभी नोट किया, कोई आजकल डिफरेंट स्कीम्स, तो स्कीम जैसे हम चल रहे होते हैं अचानक उसके अंदर रोड्स में कर्व आती है, या इवन के यहीं पे रिंग रोड भी आपके पास एक लाहौर में एक एग्जांपल है रिंग रोड की, या आप जब भी सर्कुलर रोड्स को देखते हैं जो रोड आपको कर्व के अंदर नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पर भी हम नोट करते हैं कि उनको हम ऑटो कैड में कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास स्कीम के अंदर बैरियर टाउन एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा ब्रांड जो हमारे पास बना हुआ है, उनकी हम स्कीम्स को देखते हैं। तो हम चेक करते हैं कि जब कैड के हम इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह डिफरेंट लाइंस को कर्वी लाइन कैसे लगा सकते हैं, और फिर लाइन लगाने के बाद उन कर्वी लाइंस की हम प्रॉपर्टीज़ को फर्दर चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और ऑपरेट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास हमारी स्क्रीन है और हम सेम उसी फाइल के अंदर मूव कर रहे हैं, आर कमांड इन ऑटो कैड। तो अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है और हम पोली लाइन की कमांड को यूज़ करते हुए ड्रॉ करेंगे कि हम किस तरह उसकी कर्व लगा सकते हैं। अगर अचानक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और हमें उस लाइन को चेंज करना पड़ जाए, उसके अंदर कोई बेंड आ गया है, कोई कर्व आ गया है, लाइन टेढ़ी जिसे हम कहते हैं हो जाना, अगर हमने खुद से करनी हो तो हम उसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम पोली लाइन की ही कमांड को इस्तेमाल करेंगे जिसको हमने पहले भी इस्तेमाल किया। तो पी एल हम एंटर करेंगे, पोली लाइन के हमने डिफरेंट मेथड्स ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम जो शॉर्टेस्ट इसका तरीका है एग्जीक्यूट करने का, रन करने का, इसको हमने एंटर किया और हमसे वो पहला पॉइंट पूछ रहा है, हम पहला पॉइंट कोई भी लगा लेते हैं। हम यहाँ से आर्थो ऑन करके कोई और पॉइंट भी लगा लेते हैं सपोज, और इसको हम आर्थो फिलहाल यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ये हमारे पास एक रोड है जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और ये जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ तक पहुँची है। अब यहाँ पर आकर इस रोड के अंदर कोई कर्व है, कोई बेंड है, ये रोड थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, ये रोड कोई सर्कुलर रोड है जिसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास आजकल शहरों के अंदर बाईपास हमारे पास मुख्तलिफ बने, तो वहाँ पे ये नॉर्मली हमें कर्व नज़र आते हैं रोड्स के अंदर। तो अब हम अगर नीचे आएँ तो हमारे पास, हमने बाकी ऑप्शंस पहले विड्थ का भी चेक किया था, लेंथ का भी, लेकिन हमने ये आर्क का ऑप्शन जो था इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर नहीं किया। तो ये जो हमारा लेक्चर हो रहा है इसके अंदर हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि अगर हमने इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना हो तो हम आर्क है तो डिपेंड करता है कि हम आर्क पे क्लिक कर दें या हम ए एंटर कर दें। अगर ए एंटर कर देंगे, ए लिखकर, तब भी ये आर्क की कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, चल जाएगी। अगर हम आर्क पे क्लिक करते हैं तो भी, तो हम यहाँ पे आर्क पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने आर्क पे क्लिक किया है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस नीचे आ गए हैं, वो हमसे एंगल पूछ रहा है, हमसे सेंटर, क्लोज, डायरेक्शन, किस तरफ जाना है, लाइन, रेडियस, तो हमसे मल्टीपल चीज़ें पूछी जा रही हैं। लेकिन एक ऑप्शन है सेकंड पॉइंट का, तो हम फिलहाल एस एंटर कर देते हैं। एस मींस कि हमने कहा कि ये लाइन है लगानी, आर्क है, और हम दूसरा पॉइंट खुद देंगे, जहाँ पे अब हम दूसरा पॉइंट देंगे उसके दरमियान वो आर्क बनाएगा। कौन से पॉइंट के दरमियान? ये पॉइंट जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया है और जहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देंगे। तो फिलहाल मैं एस एंटर कर देता हूँ, एस इज़ फॉर सेकेंड पॉइंट। तो अब हम जहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो एक ऑप्शन बन रही है, ये आप इसको वेरिएट भी कर सकते हैं और आप एग्जैक्ट इसकी यहाँ पे लेंथ और रेडियस, ये अगर सपोज ये हमारे पास एक कर्व है, अब अगर आप इसका कर्व और हम बढ़ाना चाह रहे हैं हम वो भी लगा सकते हैं, और अगर हम इसको मूव करते हुए यहीं पे एंड करना चाह रहे हैं तो ये हम एंड कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये एक लाइन हमने ड्रॉ की है, बट ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस लाइन के अंदर हमने बेंड्स दे दिए हैं, हमने कर्व दे दिए हैं। आप ऐसे ही सपोज करें कि ये एक रोड है, ये रोड आ रही है और यहाँ तक ये रोड स्ट्रेट है, यहाँ से इस रोड के अंदर जो है वो एक कर्व आ रहा है। अब क्योंकि ये पोली लाइन है तो हमने जहाँ जहाँ क्लिक्स किए हैं ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट में शो हो रही है, तो हम इस पर क्लिक करके दोबारा एक्सप्लोड की कमांड लगा रहे हैं, एक्स एंटर। एक्सप्लोड, अगर आपको अब याद होगा एक्सप्लोड क्या होता है, जो कम्बाइंड ऑब्जेक्ट है उसको ब्रेक करना चाहें, तोड़ना चाहें मुख्तलिफ हिस्सों में, तो हम एक्स एंटर करते हैं, शॉर्ट की थी। अब हम एक्स एंटर करने के बाद ये हमारे पास मल्टीपल जो है वो पार्सल्स बन गए हैं, पोर्शन इस ऑब्जेक्ट के टुकड़े हो गए हैं, तो ये हमारे पास मौजूद है। अब हम इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और हम चेक करते हैं कि इसका रेडियस और
आपका जो है वो डायमेंशन क्या है. तो ये आपके सामने जो है इसका 35 रेडियस है और डायमेंशन इसकी 448 फीट और 9 इंचेस बता रही है. अब आप चाहें तो आप इसको वेरिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. और जब भी ये हाउसिंग स्कीम्स आप देखते हैं, किसी स्कीम के अंदर आप मूव कर रहे होते हैं किसी रोड के अंदर और आप देखते हैं कि उसके अंदर कर्व आ रहे हैं, रोड जो है वो टेढ़ी है कहीं पे कोई ऐसा कर्व, इस्लामाबाद के अंदर अक्सर अगर आप में से किसी ने जब विज़िट किया हो तो वहाँ ये चीज़ें नज़र आती हैं. तो इनफैक्ट कैड के अंदर डिज़ाइनिंग में ये कमांड यूज़ की जाती है, पोली लाइन और आर्क की. तो हम ईज़िली जो है वो अगर चाहें तो इसको, सपोज इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, अब मेरे पास स्केप का बटन प्रेस करके हम अगली में आ जाते हैं जो हमने सेकेंड लाइन लगाई है. तो ये हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है, तो हम इसको वेरिएट कर सकते हैं. जब हम देखेंगे कि हमारे जो है वो लाइन स्मूथ हो चुकी है, हम इस लाइन को लगा चुके हैं. हाउसिंग स्कीम का जब हम पर्टिकुलरली लेक्चर जाके आगे हमने प्रोजेक्ट करना है उसके अंदर हम इस लाइन को एज इट इज़ सही करके एक स्कीम को एग्जांपल लेके ड्रॉ भी करेंगे, बनाएंगे भी सही, और उस वक्त हम देखेंगे भी सही कि रोड्स को जब हमने देना है तो उस वक्त हम इस कमांड को कैसे यूज़ करते हैं. तो ये आप पे डिपेंड करता है. हम इसको दोबारा थोड़ा सा जो है वो स्मूथ अगर और बनाना चाहें तो आप इसको और स्मूथ भी बना सकते हैं. तो ये आपने जिस तरफ इसको लेके जाना चाहें अगर आप इसको, तो इस तरह जो है हम, और अब हमने इसको दोबारा ज्वाइन करना है क्योंकि हमने एक रोड लगाई है, रोड एक ही है. तो ये कमांड भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो हम जो है वो जे एंटर करेंगे, ज्वाइन कमांड, और हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं. ये हमारे पास नंबर वन था. सिलेक्शन के बाद जो है वो हमारे पास ये नंबर टू और ये नंबर थ्री, और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा ये पोली लाइन बन चुकी है. तो इस तरह हम एक लाइन, पोली लाइन की कमांड इस्तेमाल करते हुए एक ही लाइन के अंदर आर्क भी बना सकते हैं और उसके फिलेट्स और रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं. तो इस टॉपिक के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है और एग्जीक्यूट किया है कि हम एक ही लाइन के अंदर एक ही पोली लाइन को इस्तेमाल करते हुए उसको स्ट्रेट रखकर फिर हम उसके अंदर बेंडिंग्स कैसे दे सकते हैं, हम कर्व्स कैसे दे सकते हैं, और फिर हमने साथ साथ ये भी देखा है कि उन कर्व को अगर हमने उसका रेडियस, उसके फिलेट को, उसकी डायमेंशंस को अगर बदलना हो तो वो हम कैसे बदल सकते हैं. मज़ीद जब आगे हम जाकर कोई प्रोजेक्ट करेंगे हाउसिंग स्कीम्स का या लेआउट प्लान कुछ बनाएंगे उसके अंदर हम इन कमांड्स की फर्दर एग्जीक्यूशन देखेंगे.